गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ऐसी हो रही है, बस नहा के अभी फ्री हुई हूँ घर के काम करके आराम से, क्योंकि है दक्ष के स्कूल की छुट्टी और वो चले गए हैं सुबह सुबह खेलने के लिए, और 11:30 बजे हैं, लड़का घर नहीं आया है। तो मैं भी आराम से उठी, 8 बजे तक उठी, फिर आराम से घर के काम करें, और हेड वॉश करना था तो ऑयलिंग करनी थी बालों में, तो बाद में लास्ट में याद आया नहाते समय, तो ऑयल करके फिर 1 घंटा बैठ गई, इसलिए मुझे लेट हो गया थोड़ा सा। तो ये था। और दाल मैंने बॉयल कर दी है आज दोपहर के खाने के लिए, अरहर की दाल बनेगी, दक्ष की फेवरेट वाली, यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं, तड़का लगाना है। तो तड़का और चावल दोनों चीज़ जो है मैं एक साथ ही करूँगी। अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है अभी काम वाम करने का। सुबह मैंने चाय तो पी थी, बट कभी कभी वो भूख से पेट में अजीब सा नहीं हो जाता है, बट खाया कुछ नहीं जाएगा, मुझे पता है खाने वाला, भूख नहीं लग रही है मुझे। पता नहीं क्यों पेट में अजीब सा लग रहा है, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे खाया नहीं जाएगा, बट मैं चाय बना के चाय पीना चाहती हूँ अभी अपने लिए। तो चाय पीती हूँ, पैरों में सॉक्स पहनती हूँ, ठंडा हो ही रहा है कहीं कहीं, ठंडे का धूप भी आ रही है, और कल तो दिन भर ऐसा था कि बादल लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियों में हो जाता ना मौसम। और बाल इतने गिर रहे हैं कि इनका क्या इलाज है कुछ पता नहीं है। इनको साइड में करके मैं अपने लिए पहले एक चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर दक्ष आएगा थोड़ी देर में, उसको नहलाऊंगी, उसको नहाने भेजूंगी, और फिर आप लोगों से मुलाकात कर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक। मैं चैनल सुबह हो गई है, मैं सुबह दिन हो गया है, और गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिन हो गया, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और क्योंकि मैं खेलने गया था तभी खेल के आ गया हूँ। वहाँ तो खैर अभी कुछ नहीं, बस मैं वाले रूम में आ गया पढ़ाई करने। अब यहाँ पर मम्मी मिली मूंगफली भी ला गई, मूंगफली करना बेटा। हाँ संस्कृत की बुक भी निकाल लेना। हाँ यहाँ पर मम्मी ने मस्त करके मूंगफली दे दिया, तो मैं मूंगफली खाऊंगा साथ में। सबको पहले ही फोड़ के रख देता हूँ। अब देखो इसको है, एक मिल गई, खा लिया, और मेरे जैकेट भी लगे यहाँ पर, इसको भी पहन लूंगा। अभी नहीं, अभी पहनो पहले, अब नहा रखा भी ठंडा लगेगा। ये क्या दिखा रहा है लोगों को, सीलिंग दिखा रहा है क्या? ले खा रहा था मैं मूंगफली, खा लूं डिश में, इसको सर में डाल के रखना। हाँ चलो पढ़ाई करो पहले। चलो फिर, अब तो खैर मैं मूंगफली खाते खाते पढ़ाई करता हूँ, और इसके बाद आप। तो जी फाइनली आज हम लोग दक्ष की साइकिल लेके जा रहे हैं सही कराने के लिए, इतने टाइम के बाद इसकी साइकिल कब से ख़राब हो रही है, कब से क्या, 2.5 साल हो गए इसकी साइकिल को ऐसी रखे रखे। तो आज मुहूर्त आया है कि दक्ष की साइकिल सुधारने का, और इतनी महंगी साइकिल है, कम से कम 15,000 की इसकी साइकिल है और गेयर्स वाली, तो आज हम इसको लेके जा रहे हैं फाइनली सुधारने के लिए। अब दक्ष बड़ा हो गया तो पीछे स्कूटी में बैठ के इसको पकड़ सकता है, इसलिए तो साइकिल लेके जाएंगे अभी निकाल रहे हैं। देखिए साइकिल है दक्ष की गेयर वाली, उधर फंसी है बेटा, रुक जाओ मैं निकालूँ इसे, टायर वायर सब चेंज हो जाएंगे आज, पूरा काम हो जाएगा साइकिल का सारा। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितने रुपए लगते हैं आज इसकी साइकिल में। इतनी अच्छी साइकिल है इसकी, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुंदर साइकिल है। अब तो खैर साइकिल लेके आ गए हैं, और वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर जो कहते साइकिल रिपेयर करने वाले थे, वो कहते अपने कहते दुकान बंद करके वहाँ गए थे, अपने खाना खाने गए थे। बाकी तो खैर फिर हमने वहाँ पर उनका नंबर लिखा था, फ़ोन करके उनका बोल दिया कि साइकिल छोड़िए वहीं पर, और उसके बाद फिर अभी हाँ अभी बस वो 4 बजे आएंगे, उसके बाद फिर 4 बजे से ही करेंगे साइकिल मेरी। तब तक तो खैर कुछ नहीं, अभी बस रेस्ट करता हूँ। 4 बजे तो खैर मैं सभी ट्यूशन जाऊँगा, तो मम्मी बता के आ जाएंगी, फिर कल मिल जाएगी मेरी साइकिल। एकदम एक्साइटेड हूँ, कल साइकिल चलाऊँगा मैं सुबह सुबह तो नहीं, मतलब शाम के टाइम लेने जाएंगे, सुबह के टाइम लेने चले जाएंगे, ये एकदम एक्साइटेड हूँ। तो अभी तो खैर अभी मम्मी मेरे को खाना दे रही है, बस कुछ नहीं खाना खाऊंगा, और साइकिल को जैसे जैसे तैसे करके मम्मी और मैं ले गए ना, मम्मी और मैं जानते हैं, सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ कैसे कैसे करके बैलेंस करा। एक दो गाड़ियों में लग भी रहा था, एक गाड़ी में हल्का सा टच हुआ था, दूसरी गाड़ी का शीशा मुड़ गया था, अच्छा उनके उसमें स्क्रैच नहीं आया, क्या शीशा उनने फिर ऐसे करके ठीक कर दिया था। चलो फिर खाना खा लेता हूँ मैं, बाकी तो खैर। 6 बज गए हैं,
ये देखिए दोपहर के बाद से अभी व्लॉग बना रहे हैं, या शायद कुछ व्लॉगिंग हुई नहीं आज। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुबह से लेके, सुबह क्या दोपहर में वही दक्ष ने नहा के इंट्रो वगैरह करा था, नहा के हाँ नहाने के बाद उसने इंट्रो करा था, खाना पीना उसके बाद हम लोगों ने खा लिया था। और अभी मैंने जो है फूलों में पानी डाल के भगवान जी की पूजा कर ली है। 6 बज गए हैं, आटा मैंने गूंथ दिया है और सब्जी बनाई है मैंने आज आलू और मटर की, जो दक्ष को पसंद है बहुत ज़्यादा। और ये रहा आटा, थोड़ा सा गूंथ के मैंने रख दिया है, उसको ढक देते हैं। दस गया है निकले, थोड़ी टाइम के बाद आएगा वो। कूड़ा भी इतना जमा हो जाता है ना, क्या ही बताया जाए, सब्जियों के छिक्कल वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी यही है, अभी मैं क्या कर रही थी, फ़ोन में बात बात कर रही थी, इसलिए मैं सुबह अभी छत में गई थी शाम के समय, तो मैं सोच रही थी कि शाम को थोड़ा सा छत में से अपना आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है आजकल मौसम हल्द्वानी में। बट फिर मैं भूल गई, पता नहीं क्या हुआ, माइंड चेंज हुआ, नीचे आई दिया विया जलाने का याद रह गया दिमाग में, तो वो चीज़ निकल गई। सब्जी वब्जी रख दी है गैस में बनाने के लिए, बस सब यही है। चलो फिर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी तो खैर अभी खेल के आ गया हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ, खेल के आ गया हूँ और अभी बस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ में ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर ताला लगा के आ जाता हूँ। मम्मी हाँ। अपनी स्कूटी अंदर नहीं करोगे? जल्दी से ऊपर ताला लगा देता हूँ, मस्त करके आराम से जाऊँगा। और 7 बजे मेरे को कहते खाने का मन हो रहा है, तो मम्मी से मैंने बोल दिया कि मस्त करके खाना बना दो। चलो फिर मैं कर लेता हूँ बंद। या मंदिर में पहुँच गया, तो मैं अभी आपको मैं दरवाजे बंद करके मिलता हूँ। चलो फिर ऊपर ताला लगा दिया, अभी तो खैर नीचे मम्मी अभी स्कूटी डाल देंगी। कितनी रोटियां बन गई? अच्छा यही खा, होटल की तेरी फेवरेट सब्जी, यही खा लूं? यही क्यों खाएगा, मन कर रहा है खा लेता। खाना तो हम लोगों ने खा लिया है और दक्ष यहाँ पर आ गया है टीवी देखने के लिए। बेटा उधर वाले कमरे से वो ले आओ, तकिया ले आओ, मैं कंबल दे देती हूँ, ये वाले तकिया मत डालना सिराने। तो यहाँ पर आराम से लेटे लेटे जो है और टीवी देखेगा बेटा, कंबल भी उधर ही वाले रूम में है, वाला पतला वाला जो तू ओढ़ता है। मैंने तो खाया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा अभी कुछ खाने का, बाद में मन करेगा तो मैं खा लूंगी। आलू मटर की सब्जी है जो दक्ष को बहुत अच्छी लग रही थी। कैसी हो रही थी बेटा सब्जी? बढ़िया हो रही थी। हाँ ये लिया, उसमें तेल का दाग लग जाएगा ना वरना। और दक्ष को तभी तो मैंने 7 रोटियां खाई। और दक्ष को सब कुछ याद हो गया है, परसों SST का टेस्ट है और उसके बाद संस्कृत का, 2 टेस्ट बचे हैं, तो दोनों में सब कुछ याद है। मतलब याद तो था बट वो रिवीजन करना था, तो वो भी सब कुछ कर लिया, अब कल करेगा थोड़ा सा रिवीजन। तो अभी यहाँ पे टीवी देखेगा, मैं तो अंदर जाकर अपने फ़ोन में जेठाल देखूंगी, कल इसकी साइकिल भी आ जाएगी जहाँ तक है, कल दिन में या कल शाम तक, देखो किस टाइम तक आती है। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी सुबह के लिए भिगा दिए। खाना पीना तो हमारा हो गया और बस करके पेट भर गया। यहाँ देखो मम्मी यहाँ पर बर्तन हो गया। और बताओ मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि कल मेरी साइकिल रिपेयर हो जाएगी, तो कल हम वहाँ पर ये इसका मडगार्ड भी लेके जाएंगे, तो वो भी लगा देंगे। इसका मडगार्ड बड़ा मस्त लगता है देखने में, बट अगर ये उससे लग नहीं पाया तो लग जाएगा। हाँ नॉर्मल पेच ही तो होते हैं। हाँ देखो मडगार्ड कैसा दिखता है, देखो ऐसा है मडगार्ड, मस्त लग रहा है। तो खैर बस मैं कुछ नहीं, ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो चलो फिर, अगर आपका ब्लॉग तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बहुत गर्मी हो रही फिर भी, गुड नाइट।